अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर रियल एंड अनइक्वल नंबर्स, प्रूव दैट 2016 x² प्लस 2016 y² प्लस 6 z² ग्रेटर देन 2 times 2013 xy प्लस 3 yz प्लस 3 zx। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। देखिए इसमें कुछ नंबर अलग तरीके से लिखे हुए, ठीक है ना। अब बस आपको गैस करना है, ये लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन हो जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो इसमें मैं जो यूज़ करने वाला हूँ कंसेप्ट, वो क्या यूज़ करने वाला हूँ कि एक्स माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। सेम y माइनस जेड का स्क्वायर और z माइनस एक्स का स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होता है। ये कंसेप्ट मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसको ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब देखते हैं, अगर ये मेरा ग्रेटर देन 0 है तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। अभी इक्वल टू साइन क्यों नहीं लगा रखा है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, अनइक्वल नंबर्स। अगर ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये 0 के इक्वल भी नहीं हो सकते। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 ही होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2016 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2013 आ रहा है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें क्या करना चाहिए, 2013 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें 2013 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसमें कर दिया, इसमें इसमें कर दिया, किसी में भी एक में कर दिया, तो देखते हैं क्या होगा। अगर मैंने इसमें किया तो 2013 इधर आ जाएगा, 2013 इधर आ जाएगा और 2013 इधर आ जाएगा। तो देखिए इन तीनों में 2013 तो कम से कम आ गया। अब इसमें 3 चाहिए है, तो 3 yz मतलब यहाँ पे 3 चाहिए है और 3 zx मतलब यहाँ पे 3 चाहिए है, तो इन दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो लॉजिक क्या समझ में आ रहा है, इसमें 2013 का मल्टीप्लाई करो और इनमें 3 और इसमें 3 का। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है हमको। ये पहला एक्सप्रेशन है, सेकेंड एक्सप्रेशन इसके नीचे लिख लेता हूं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। टू टाइम्स 3 yz, अगले वाले में भी 3 का मल्टीप्लाई करना है। अब अगर इनको मैं ऐड करूंगा, इनको मैं ऐड करूंगा तो ध्यान दीजिए ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरा। ठीक है, देखिए 2013 x² प्लस 3 x², ये कितना हो जाएगा, सेम 2013 y² प्लस 3 y² ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना, 3 z² और 3 z² ये कितना हो जाएगा, ये ग्रेटर देन, ये क्या आ रहा है, सभी में से 2 कॉमन आ रहा है। अंदर अंदर कितना बच रहा है, यहां से 2013 xy प्लस यहां से 3 yz और यहां से 3 zx, ये मुझे प्रूफ करना था। तो एक्चुअली में इसमें मैंने क्या एक्सप्रेशन यूज किया है, ये वाला x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जो भी सीखेंगे हम क्वेश्चन की हेल्प से ही सीखेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे जो भी हमारे रिजल्ट होंगे या कंसेप्ट होंगे। ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे यूज होना चाहिए। ठीक है, ओके, जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड वाई सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, है ना। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 y² प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स इंटू 2 y + 1। तो एक्स और वाई की सारी रियल वैल्यूज के लिए बताना है। ठीक है, अब देखिए
ये 1/2 है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पी बाई क्यू के फॉर्म को मैं इंटीजर बनाने की कोशिश करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन में, ये क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x होगा, और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4xy प्लस 2x। अगर इन दोनों चीजों को वापस अंदर ले आऊं आप ध्यान दीजिए, 4xy किसके साथ पेयर करते हुए दिख रहा है, x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ में, और 2x दिख रहा है x स्क्वायर के साथ में, तो इस तरीके से इनको सेपरेट कर लेता हूँ। एक एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस 2x रखता हूँ, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए उसको, प्लस 1, तो मेरी 3 टर्म हो गई, एक तो ये वाला, एक ये और एक ये। अब एक एक्स स्क्वायर बचा है, प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर लिखा है माइनस 4xy और प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप देख पा रहे हो, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं मेरे, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, यहां पे स्क्वायर, ये ऐसा कुछ लिखा है। पर इस एक्सप्रेशन में दिक्कत ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकते, तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, ये इक्वल टू जीरो, क्या हो सकते हैं, इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये तो पॉजिटिव होंगी, तो लेस देन जीरो तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है कि इक्वल टू जीरो हो जाए। अब हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पढ़ा हुआ था कि दो परफेक्ट स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन जीरो तब होते हैं जब वो इंडिविजुअली जीरो हो, क्या हो, इंडिविजुअली जीरो, तो इस आप इसको भी जीरो के इक्वल रखोगे और इसको भी आप जीरो के इक्वल रखोगे, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, यहाँ पे वन माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई कितना आ जाएगा, वन बाय टू, तो एक्स की वैल्यू वन आ रही है और वाई की वैल्यू वन बाय टू आ रही है, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन मेरा ट्रू होगा, ठीक है, क्लियर है। अब जो अगला प्रॉब्लम है वो क्या है, फॉर एक्स कॉम वाई बिलोंग्स टू आर, प्रूफ दैट 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3xy। अब चाहो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, तो होपफुली आपको मजा आएगा इसमें, है ना। अब वो करना क्या है, कुछ नहीं, ग्रेटर देन 0 अगर पुट करना है, आप fx माइनस gx का साइन चेक करो और जो एक्सप्रेशन आएगा ट्राई करो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डेफिनेटली होगा, ठीक है, ये आप एम बना के चलो और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। हाँ थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, ठीक है, चलो इसको ओपन करते हैं। अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ तो ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, हाँ ये इसको मैं यहाँ ले आया हूँ और ये ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ये एफ एक्स माइनस जी एस के फॉर्म में है, अब मुझे इसे इसका साइन चेक करना है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैं हटा दूँगा, कौन सी वाली, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाली चीज़, ये वाला एक्सप्रेशन ये हटा दूंगा मैं, है ना, और एफ एक्स माइनस जी एस को चेक करूँगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर ये 6xy है, ये 3xy मैं घटा दूँ तो सारा एक्सप्रेशन गड़बड़ जाएगा, है ना, यही बस इसके साथ में दिक्कत है, और फिर मुझे अब इसे परफेक्ट स्क्वायर वापस से बनाना है, पहले तो था ये परफेक्ट स्क्वायर, अब 3xy घटाने के बाद में इसको मुझे वापस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा बस चैलेंजिंग होगा, ठीक है, स्टेप लिख लेता हूँ पहले,
ये मेरा एक्सप्रेशन होगा 3xy घटाने के बाद में, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला जो 3xy है, अगर यहाँ पे यही 6x समथिंग होता तो मेरा काम बन जाता डेफिनेटली, है ना। तो इसको क्या होना चाहिए था, इसको ऐसा कुछ होना चाहिए था 2 इंटू एक्स और y बाय टू, ऐसा कुछ होना चाहिए था। ये 3y/2 है ना, ये आपको दिख रहा हो होपफुली, ये क्या लिखा है 2x into 3y/2। तो ये 3 तो कॉमन आ जाएगा और ये y बाय टू जो है वो मेरे परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। अब y बाय टू के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, y बाय फोर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर बाय फोर। अब ओरिजिनली कितना था 3y/2, ओरिजिनली कितना था ये 3y/2, है ना। और मुझे कितना चाहिए है, मुझे चाहिए है 3y/4, तो कितना और बच जाएगा, 9y/4 बच जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐड करके क्या लिख देता हूँ, 9y/4। ये एडिशन में और होना चाहिए, अगर यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड किया है, मतलब y/4 मतलब y/2, ये y/2 यहाँ पे आएगा। अब y/2 अगर यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे भी y/2 होना चाहिए था, है ना। सो ये वाला क्या होगा, 2 into 3y/2, अभी कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3y बच गया। तो यहाँ पे क्या और लिख लूँ मैं, 3y, ठीक है ना, यहाँ पे 3y और लिख लूँ। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 into 3y/2। अब देखिए, इस एक्सप्रेशन में से 3 कॉमन लूँगा ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इसको वापस से लिखता हूँ मैं, है ना, होपफुली आपको समझ में आया हो, है ना, मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली में गड़बड़ कहाँ पे हो रही थी, ये इसके कारण, ये 6xy 3xy हो गया था। तो इसको अरेंज करने के चक्कर में मुझे जो जो चेंज करने पड़े वो मैंने चेंज किए हैं, ठीक है ना। आप भी एक बार इसे ट्राई कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसे मैं वापस लिखता हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, 3x² + 3 into y/2² + 3 प्लस ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2 into x into y/2, है ना, और इंटू कितना 3, फिर प्लस ये 6x है तो 2 into 3 into x प्लस 2 into y/2 into 3, ठीक है, इतना है। और बचा हुआ एक्सप्रेशन यहाँ पे है वो है 3y/2² प्लस ये 3y है तो इसको लिख सकता हूँ 2 into 3y/2 और फिर लिख सकता हूँ प्लस 1, है ना, ये 1 और छूट गया था। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में से 3 कॉमन लूँ और ये मेरा ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है 3y/2 + 1 का, है ना। तो इसमें से 3 कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x² + y/2² + 1 प्लस 2 into x into y/2 + 2 into x + 2 into y/2, हाँ बस इतना ही, है ना, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और प्लस ये वाला क्या हो गया, ये हो गया 3y/2 + 1 का होल स्क्वायर और ये वाला भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना। तो ये कितना हो गया है, ये हो गया है x + y/2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y/2 + 1 का होल स्क्वायर,
अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी मेरी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया है ना। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है मुझे, एफ एक्स माइनस जी एस का साइन देखना होता है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो मेरा इनिशियल एक्सप्रेशन था वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा डेफिनेटली। ठीक है ना, तो बस आपको समझ में आया ट्रिकी पार्ट क्या था, ये वाला है ना, 6xy में से 3xy घट रहा था, फिर जो एक्सप्रेशन आ रहा था उसको मैंने वापस परफेक्ट स्क्वायर बनाया, जो जो कमियां थी उनको ऐड किया और मैनिपुलेट किए एक दो टर्म, है ना, उससे मेरा जो टर्म है वापस वो अरेंज हो गया। ठीक है, हाँ, तो आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करना है कि कैसे अरेंज करना है, कैसे मुझे थोड़ा टर्म मैनिपुलेट करना है ना, ताकि वो वापस परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और मेरी कंडीशन ट्रू हो जाए। ओके, अब जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, फॉर एक्स कॉम वाई कॉम जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब कि एक्स वाई जेड रियल नंबर है, सच दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू माइनस वन, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर प्लस एट जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। ठीक है, अब ये मुझे प्रूफ करना है ना, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अच्छा प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली इसे क्रैक कर लोगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले की तरह बिल्कुल एज यूजुअल हम क्या करेंगे, फोर को इस तरफ लाएंगे। ठीक है ना, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा कुछ हो गया। अब बस इसको मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है, इसका मतलब ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है ना। अब ये हटा दूंगा मैं, सिर्फ एफ एक्स माइनस जी एक्स को लेके चलूंगा। ठीक है, तो क्या हटाना है मेरे को, ये वाला पार्ट हटाना है। ठीक है, और ये वाले एक्सप्रेशन को देखता हूँ कि क्या ये पॉजिटिव आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखिए इतना तो मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, ये है माइनस फोर, अगर मैं इसे लिख लूँ प्लस फोर इंटू माइनस वन, तो माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फोर इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। अब ये ऐसा हो जाएगा, अब देखिए इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये 5y तो 5y जैसा नहीं दिख रहा है, मतलब 5y एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा, दिक्कत देगा, है ना, और 8z भी नहीं बनाएगा, 8z स्क्वायर भी नहीं बनाएगा। अगर ये 4y स्क्वायर होता और ये 4z स्क्वायर होता तो मेरा काम डेफिनेटली बन जाता है ना, क्योंकि 4y स्क्वायर लिखा होता इसको 2y का होल स्क्वायर लिख लेता और इसको 2z का होल स्क्वायर लिख लेता, बची हुई टर्म को हम बाद में यूज कर लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है ना, सो आगे वाली टर्म देखते हैं हम, ये है एक्स स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर लिख लेता हूं, इसको भी 4z स्क्वायर लिख लेता हूं, तो आगे वाली टर्म मेरी और मतलब कि आगे यूज कर लूंगा, बचा हुआ 4z स्क्वायर में आगे यूज कर लूंगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर है प्लस 4y स्क्वायर है प्लस 4z स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 times of AB होना चाहिए, मतलब 2 times of x होना चाहिए और y मतलब 2y होना चाहिए, तो ये कितना है 2 into 2 4, 4 into xy, तो ये 4xy है मेरे पास में, मतलब मैं ये वाली टर्म यूज कर चुका हूँ पूरी की पूरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब अगली टर्म क्या होना चाहिए, 2 into b into c, b कितना है 2y और c है मेरा 2z, तो ये टोटल हुआ है 8yz, पर एक्चुअली में तो मेरे पास 4yz ही प्रेजेंट है। अब 4yz के लिए अगर मुझे क्या चाहिए है, 8yz चाहिए, तो प्लस 4yz और माइनस 4yz करना पड़ेगा, जिसमें से मैं ये वाला 4yz यूज कर चुका हूँ इसके साथ मिलके, है ना, 8yz बना लूंगा और इसको मैं बाद में यूज कर लूंगा, तो मैं कौन कौन सी टर्म यूज कर चुका हूँ, ये वाली और ये वाली, इसके बाद में होना चाहिए था
बीसी, टू बीसी, तो वो कितना होगा, टू इंटू एक्स इंटू टू जेड, ये होगा फोर एक्स जेड। तो फोर एक्स जेड प्रेजेंट है और वो मैं यूज कर चुका हूं। अब देखिए बचा क्या क्या है, ये वाला फोर जेड स्क्वायर, ये फाइव वाई स्क्वायर से फोर वाई स्क्वायर ले चुका था, तो एक वाई स्क्वायर बचा हुआ है और एक माइनस फोर वाई जेड बचा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये मैं परफेक्ट स्क्वायर बना चुका हूं, है ना। सो ये वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है ये किस चीज का है, x प्लस टू वाई प्लस टू जेड, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये वाला, यहां से यहां तक। और ये वाला जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है वो है y माइनस टू जेड का। ठीक है, होपफुली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो इसको, ठीक है ना। हाँ, अब ये देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, डेफिनेटली ये दोनों टर्म का सम मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो कब होगा, जब ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए और ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, ठीक है, उस केस में, है ना। लेकिन उसके अलावा ये परफेक्ट स्क्वायर है, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे और ये क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो। तो मेरा मेन मोटिव क्या था, जब भी मुझे ग्रेटर देन समथिंग प्रूफ करना है इसको इस तरफ लाओ और ट्राई करो एफ एक्स माइनस जी एक्स मेरा पॉजिटिव आ जाए, है ना, ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, उसके अलावा कभी अगर थोड़ा सा ऑर्डर लगाता है तो कुछ और भी मेथड होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन उस फॉर्म में है इसलिए मेरे को ये वाली मेथड अप्लाई नहीं करना है, एफ एक्स माइनस जी एक्स वाली, वो वाली मेथड अप्लाई करना है। एफ एक्स माइनस जी एक्स में जनरली, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन इसी फॉर्म में जा रहा होगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में, या फिर क्या बोलूँ, सम ऑफ स्क्वायर वाले फॉर्म में। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो।